खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मीना नरवाल ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए आज कई गांवों का दौरा किया, जहां पर अलग अलग जगह उन्होंने लोगों को संबोधित किया। कुंडल रामपुर गांव में लोगों को संबोधित करते हुए मीना नरवाल ने कहा कि जिस तरह चेयरपर्सन रहते हुए उन्होंने 3 साल में खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए हैं, ऐसे ही खरखोदा की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो विधायक बनकर वह उससे भी कई गुना ज़्यादा काम खरखोदा हल्के में करवाएंगी। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता प्रीतम खोखर, जयकरण सैदपुर, संदीप राणा, संजय रोणा, प्रेम जांगड़ा, रामनिवास खरखोदा आदि तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। हमारे साथ मौजूद हैं खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मीना नरवाल जी, आइए इनसे जानते हैं। मैम, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? ये बहुत भारी संख्या में आप देख भी सकते हैं मुझे जन समर्थन मिल रहा है, और आप ये देखकर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतना समर्थन मिल रहा है कि अब की बार 75 बार की बजाय 85 बार भी हो सकती है। किस तरह के मुद्दे लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमने जो विकास कार्य लेके किया है, क्योंकि हमारी सरकार ने जो है विकास कार्य को लेके आगे बढ़ रही है, करवाए हैं, और सरकारों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो विकास कार्य जो इस सरकार में जो हुए हैं, और मैं बात बताऊं जिला परिषद की, तो जिला परिषद के माध्यम से पूरे ज़िले के अंदर 25-30 करोड़ के लगभग जो है कार्य करवाए जा चुके हैं विकास कार्य। और अगर बात करूं केवल खरखोदा हल्के की, जहां पे बहुत ही पिछड़ा एरिया था, और मैंने 5-6 करोड़ के लगभग यहाँ पर भी विकास कार्य करवाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो क्या यहाँ पर समान विकास कार्य हो पाए खरखोदा विधानसभा में? बिल्कुल करवाए गए हैं, और उस पर विकास कार्य भी चल भी रहा है, कार्य चल रहा है। उसके बाद भी जो समस्याएं बची हुई, उसका क्या कारण है? वो समस्याएं मैं हल करूंगी, क्योंकि जनता ने मुझे समर्थन दिया, मुझ पर विश्वास है, वो मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन कार्यों को मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगी। आज भी युवाओं को रोजगार को लेकर यहाँ पर कोई इस तरह की इंडस्ट्री नहीं है, अगर आपको मौका मिलता है खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? अगर मुझे खरखोदा विधानसभा से मौका मिलेगा तो मैं अपने युवा साथियों के साथ हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी और अधिक से अधिक रोजगार दिलवाऊंगी। मैम, आप महिला भी हैं, महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरे लिए शिक्षा को लेकर रहेंगी, हमारी जो बेटियां हैं, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा कैसे की जाए, महिलाओं के लिए मेरा इसी बात पे समर्थन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मैं उनके हक के लिए लड़ सकूं, ताकि उन्हें कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। खरखोदा विधानसभा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, क्या इस पर मुख्यमंत्री की ईमानदारी भारी पड़ेगी इस बार? बिल्कुल, मुख्यमंत्री, मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे कोई भी आज हमारे सामने नहीं टिक सकती। जो सरकार की बात करूँ, बिल्कुल गर्व है हमें, जो मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास करवाया है, तो गर्व तो हमें है। क्या मानते मैम, पहली बार खरखोदा में कमल खिलेगा? पहली बार बिल्कुल, ये समर्थन देख रहे हैं, जरूर खिलेगा, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ खिलेगा। ये थे हमारे साथ खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मीना नरवाल जी, इन्होंने बताया कि इस बार खरखोदा हल्के में जो है कमल का फूल अवश्य ही खिलेगा। हरियाणा उत्सव के लिए मेरे सहयोगी रवि नारंग के साथ अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।